भोया विधायक अक्सर किसी न किसी विवाद के घेरे में रहते हैं। इस बार फिर से उनकी ओर से फोन पर हुई बातचीत वायरल हो गई है, जिसमें वो किसी संस्था सदस्य से बात करते हुए यह कह रहे हैं कि मेरी इजाजत के बगैर मेरे इलाके में कोई भी संस्था किसी भी प्रकार का वैक्सीनेशन कैंप आयोजित नहीं कर सकती। यह रिकॉर्डिंग संस्था की ओर से मीडिया में दी गई है और साथ ही उन्होंने सरकार को इस प्रकार के लोग विधायक ना बनाने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि आज की स्थिति को देखते हुए अगर वो सेवा करना चाहते हैं तो वह उन्हें सहयोग देने की बजाय दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। नमस्कार सर जी। हेलो, नमस्कार जी। सर मैं सहायक इंडिया तो उत्तर भारत का प्रभारी बोल रहा हूँ। असीं पिंड-पिंड वैक्सीन का कैंप ला रहे हैं ते साडा कैंप है जिहड़ा कैंसल SMO ने कीता, इहदे वास्ते तुहाडे बारे कोई जानकारी हैगी? पहले कैंप मेरी कोठी लगना चाहिए सर, अथॉरिटी लैटर लिख के दे दिने महाराज। अभी मेरे बगैर पूछे मेरे हल्के किसी ने कैंप लाया बिल्कुल नहीं लाने देगा मैं, जो मर्जी प्रभारी है। ठीक है जी, समाज की सेवा तुसी भी कर रहे हैं। समाज की सेवा मैं नहीं कर रहा, तुसी मेरे को बंद कर दो, मेरे हल्के इंटरफेयर कर दो, मेरे हल्के इंटरफेयर करो, मेरे को बगैर पूछे नहीं करना, जो मर्जी प्रभारी है। सहायक इंडिया के तौर पर मैं काम कर रहा, साड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जी है वो भारत सरकार के नियमों के अनुसार कोविड पर काम कर रही है और अज इत्थे जिला पठानकोट के हलका भोए दे विच साडा कैंप लगना सी। ते असी पहला भी कैंप लाए हैं कोविड दे विच, असी मास्क सैनिटाइजर का भी काम किया है, पर अज बड़ी एक दुखदायक सानू जिहड़ी आ घटना वापरी है कि साडा जिहड़ा कैंप है जिहड़ा सरकार ने मंजूरी दिता सी वो MLA दे कहिंदे आ जिहड़ा वो बंद कर दिता गया, और जदों असी MLA दे नाल राबता कायम किया तो MLA दे जिहड़े शब्द हैं मैं तुहानू उहनां दी आडियो भी सुना सकदा कि उन्होंने कहा है कि मैं सोनिया गांधी का बंदा, मेरी मंजूरी तो बगैर तुसी मेरे हल्के दे विच वड़ना नहीं है, तुसी कौन? और मैं भारत सरकार नूं भी बेनती करांगा और पंजाब सरकार तो यह गल पुछनी चाह रहा है कि पंजाब की सरकार ने किहो जिहे MLA है जिहड़े वो बनाए हैं कि एक समाज की सेवा का बंदा जिहड़ा वो लोगों की सेवा वास्ते काम कर रहा और एक MLA है जिहड़ा उन्हूं रोक रहा है, और मैं बेनती करांगा कि इहो जिहे MLA दे बारे जिहड़ा DC साहब नूं बेनती करांगा जिन्होंने सानू परमिशन दिती है वैक्सीन कैंप लाने वास्ते, हैल्थ मिनिस्टर नूं बेनती करांगा कि जिन्होंने सानू परमिशन दिती है कि तुसी समाज की सेवा वास्ते जिहड़ा काम करो, घर घर वैक्सीन का जिहड़ा है वो लाना साडा एक टीचा है। और MLA कह रहे कि मेरी मंजूरी बगैर मेरी कंस्टिट्यूएंसी दे विच की साडा बढ़न का अधिकार नहीं है, असी गरीब लोगों की सेवा कर रहे हैं, और की MLA जिहदे टीके लवाएगा उही बंदा टीके लवा सकदा जिहनूं MLA लवाएगा टीके? असी गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, तो और यहोजे जे समाज सेवक कहने बनते हैं वो लोगों के टीके लगने तो भी बंद कर रहे हैं, और जे MLA ने टीके लगवाए होंगे तो सानू पिंडां दे लोगों ने अपील की है कि भाजी सानू टीका लगाने वास्ते 200 रुपया खर्च के पठानकोट जाना पैंदा, साडी कंस्टीट्यूएंसी दे विच बिल्कुल टीके नहीं लग रहे हैं, और असी MLA साहब नूं बेनती करते हैं कि तुसीं टीके ते की लगवाने हैं जे असी काम कर रहे हैं तो साडे वो भी कैंप तुसीं कैंसल करवा रहे हो, और DC साहब नूं बेनती करांगा कि इहदी इनकुआरी की जाए और इहदे ते एक्शन लिया जाए। असी बनी लोधी दे विच पहला भी कैंप लाया सी और हुण दुबारा असी हैल्थ डिपार्टमेंट तो कैंप लिया सी और अज MLA दे कहिण ते जिहड़ा वो कैंसल किया गया। जिला पठानकोट प्रभारी सहायक इंडिया, ये जिहड़ी असी बनी लोधी विच वैक्सीनेशन का कैंप लाने वास्ते परमिशन ली सी DC साहब तो, हैल्थ डिपार्टमेंट नूं लिख के दिता सी, सानू परमिशन मिल गई, मगर अज वो उत्थे टीके लगने सी, लोगों ने लोग इकट्ठे होने लगे तो हैल्थ डिपार्टमेंट तो सानू फोन आ गया कि ये जिहड़े वैक्सीनेशन अज इत्थे नहीं लगनगे, ये कैंप थोड़ा कैंसल किया गया। अहीं उन्हां नूं पुछिया भी ये क्यों, वो कहिंदे भी MLA साहब नाल गल करो तुसीं। अहीं इस बारे साढ़े जिहड़े उत्तर भारत के प्रभारी ने उन्होंने MLA साहब नाल गल की, मगर MLA साहब का यह है वो कहता है भी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरे पुछे बिना तुम कोई काम नहीं कर सकते,
क्यों असी पंजाब सरकार तो ये पूछने यार जे एक एन जी ओ कोई भी काम कर रही है लोगों की भलाई वास्ते एक गरीब गरीब लोगों वास्ते कोई काम कर रही है तो उन्होंने काम करने का कोई हक नहीं है क्या अही ये सारा कुछ एम एल ए को ही पूछ के ही करना है या एम एल ए के घर ही करना है ये असी सरकार अगे और डी सी साहब अगे ये बेनती करते हैं कि इस चीज़ के उपर इनकुआरी होनी चाहिए है कि जोड़ा सा कैंप मंजूर किया उन्होंने थ्रू मंजूर होया था ये कैंसल क्यों होया। दूसरी तरफ जब विधायक जोगिंदर पाल से पूछा तो उन्होंने कहा कि वे तो स्वयं सेवा कर रहे हैं, वो सेवा करने वालों को भला क्यों रोकेंगे। देखो पहली तो गल ये है जी भी संस्था मैं उन्होंने जानता नहीं टैलीफोन देते जो वट्सअप करके वीडियो कॉन्फ्रेंस करता तो मैं पता लगता भी कि बंदा है। कई बंदे अजक जिस तरह हम इलेक्शन लागे लागे आ रहे हैं तो बड़े लोग अपने आप में कहते मैं फलाना प्रभारी हाँ जी मैं फलाना कोआर्डीनेटर हाँ जी मैंने की पता कौन है कौन नहीं। जब मेरे हल्के दे विच मैं समाज सेवा खुद कर रहा लोगों ने 28,000 के लीड ने मैं जिताया है कोई बाहरों बंदा आ के मेरे हल्के च इंटरफेयर करता है तो उन्होंने इंटरफेयर क्यों कर देंगा मैं भी अपने हल्के च मैनू पता है जब मेरा शलोगन है मेरा हल्का मेरा परिवार तो बदलेंगे रल मिल के हल्के की नुहार तुहाडे सामने तुसीं देखो सामने वैक्सीन कैंप लगा हो लगा जी नहीं लगा जब लोगों की मैं खुद सेवा कर रहा मैंने जरूरत ही नहीं बाहर दे सेवा समाज सेवा की जरूरत जिहड़े संस्था समाज सेवक ने उन्हें अगे मेरी हाथ जोड़ के बेनती है तुसीं सुजानपुर च जाओ तुसीं पठानकोट च जाओ मेरे हल्के च तुहानूं बिल्कुल तुहाडे लोगों की जरूरत नहीं मैनू जो जरूरत होगी मैं आप भी थोड़े अगर हाथ जोड़ के कह देंगा भी मैं कमजोरी आ गई है जो मेरे को सेवा करने की समर्था नहीं तो तुसी कर लो जो तुसी टैलीफोन से गल कर रहे हो तुसी आके मेरे ना गल कर दे मैं देखता मैं भी पता भी मत्थे ते लिखा जा कितने कौन किहड़ी संस्था नहीं मैं मैं उन्होंने इलम नहीं मैंने जानते नहीं उन्होंने मैं तो मेरे हल्के च कोई इंटरफेयर करेगा मैं फिर ही उही गल कहना अपने हल्के च मैं इंटरफेयर नहीं कर दिया किसी ने जो वो प्रमाण पत्र दे जो कोई हायर लैवल का बंदा है मेरा कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब है उन्हों तो मेरा कोई फोन करा दें उन्होंने यूनिवर्सिटी तो फोन करा दें मेरे पंजाब के प्रधान ने नवजोत सिद्धू जी उन्हें तो मैं फोन करा दें तो मैं मनू तैयार है इस तरह कोई चुक के आ जाए जा फिर पंजाब का मेरा एससी सैल का राजकुमार डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल जी मैं जिले का एससी सैल का चेयरमैन है वो मेरे पंजाब के एससी सैल के चेयरमैन है जी किसी ने सेवा करनी है तो आके मेरे ना गल करे मेरे बगैर पुछो जिथे कैंप लगना चाहिए उत्थे कैंप ना लगे लोगों को आ सुविधा होए तुहाडे सामने पखे लगे एसी लगे है सब लोग वधिया तरीके नाल कुर्सी ते बैठे हुए ने जिहदी वारी आती उन्हें आवाज़ मार के तो उन्हें वैक्सीन जी लगती पई है तो ऐवें कोई कह दिया कि मेरा तो कोई लेना देना नहीं उहदे नाल कोई कहिंदा कि मैं ये हाँ मैं वो हाँ मेरा कोई मैं ना तो उहदे प्रति कोई प्रतिक्रिया देना चाहना उस बंदे नूं नहीं मैं जानता उस संस्था नूं नहीं जानता जी किसी ने वीडियो वायरल की है तो मैं तो कुछ माड़ा किया नहीं मैं तो ये गल जरूर कही है कि मैं सोनिया गांधी का कार्यकर्ता मैं सोनिया गांधी मेरी अपनी पार्टी कांग्रेस आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की साड़ी रक्षा है तो मैं उन्होंने पंजाब दे विच एक छोटा जिहा विधायक है तो मैं तो सीधी गल कही अपनी पार्टी की गल कही है जे कोई कोआर्डीनेटर है जे सोनिया गांधी ने उन्हें बनाया है तो वो आके मैं प्रमाण पत्र दे तो मैं गल कराँगा उन्होंने जे बहुती उन्हें सेवा करनी है तो जाके किसी होर इलाके करे मेरे इलाके की जरूरत नहीं है। जिला पठानकोट का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध डेडिकेटेड कोरोना वार्ड एक्सपीरियंस्ड स्टाफ व्हाइट मेडिकल कॉलेज भोंगल नियर डीएलएम रिसोर्ट पठानकोट। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट के यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज को लाइक कीजिए
ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।